सर नंबर नहीं है अभी तक। और जो छोटे पुत्र हैं सर, क्योंकि पिताजी मेरे वहाँ से मतलब ड्यूटी करने यहाँ बरगी जबलपुर आ गए थे, यहाँ पे हेडमास्टर के पद पे रहे और 35 साल यहाँ पे ड्यूटी किया, तो छोटे भाई ने ये निर्णय किया कि बड़ा भाई क्योंकि नौकरी पे है तो इसमें हम कोई भी संपत्ति नहीं देंगे, और बड़े भाई की अनुपस्थिति में इन्होंने फ्रॉड तरीके से ये जो आप देख रहे हैं। आप सब बातें ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस बात की बंटवारा के कौन करता है? तहसीलदार। नहीं सर, बंटवारा तो दिस पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय द पिटीशनर अंडर इंडियन करप्शन एक्ट 1988 टू द हॉनरेबल हाई कोर्ट फॉर द जस्टिस। माय लॉर्ड, द कंटेंशन इज दैट गुमगांव दावा झील के सर पटवारी ने सर हमारे रिश्तेदारों से सर कुछ पैसे मतलब घूस के रूप में लेकर हमारी जो पैतृक संपत्ति थी उसका सर गलत तरीके से गलत खसरा बनाकर वो पैतृक संपत्ति उनके नाम कर दिया सर, जिसका कोई आधार उनके पास नहीं है। इस पिटीशन में सर नहीं, अगर सर उनके पास आधार नहीं है तो आप जाइए जो जिन अथॉरिटीज ने गलत खसरा उनको एंट्री कर, इसमें पार्टी बनाया है अरे पार्टी ने। प्लीज रिक्वेस्ट तो सुनिए आप, जिन्होंने गलत एंट्री करी है उसकी अपील करिए जाकर, तहसीलदार के आदेश की अपील एसडीओ को होगी, एसडीओ की अपील जो है। क्या नहीं सर, इसमें चैलेंज हमने जो एनेक्सर और सभी एनेक्सर को किया है, उसको और जो बंटवारा सर हुआ हुआ था आप उसका मैं चुनौती सर दीजिए ना। सर 1 मिनट सर सर बंटवारा नंबर एनेक्सर नंबर 5 हाँ, पेज 20 पर। पेज 20 पर है, हाँ तो सर इसमें जो लिखा है बंटवारा देने वाले बिनगति भाई, हाँ ये मेरी दादी का नाम है, और बंटवारा लेने वाले सर ये पहला नाम लिखा है श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा, हाँ तो ये मेरे पिताजी का नाम है, उनके 3 दूसरे भाई हैं हाँ फूल सिंह वर्मा, चैन सिंह वर्मा, अंगद सिंह वर्मा। तो सर बड़े जो बड़े पुत्र हैं मतलब मेरे पिता, उनके नाम पर सर कोई भी खसरा नंबर नहीं है अभी तक। और जो छोटे पुत्र हैं सर, क्योंकि पिताजी मेरे वहाँ से मतलब ड्यूटी करने यहाँ बरगी जबलपुर आ गए थे, यहाँ पे हेडमास्टर के पद पे रहे और 35 साल यहाँ पे ड्यूटी किया, तो छोटे भाई ने ये निर्णय किया कि बड़ा भाई क्योंकि नौकरी पे है तो इसमें हम कोई भी संपत्ति नहीं देंगे, और बड़े भाई की अनुपस्थिति में इन्होंने फ्रॉड तरीके से ये जो आप देख रहे हैं। आप सब बातें ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस बात की बंटवारा के कौन करता है? तहसीलदार। अरे नहीं सर, बंटवारा तो जो भाई, घर में जो घर में बंटवारा बैठकर स्वीकृत कौन किया? घर में बैठ के ये बंटवारा हुआ, हाँ इसके आधार पर नामांतरण किसने किया? पटवारी ने, तो पटवारी पटवारी नामांतरण, कोई पटवारी नामांतरण कब से करने लगा? नहीं सर, ये जो घर में बंटवारा हुआ इसके हाँ, आधार पर पटवारी ने जो खतरा नंबर पे मतलब नाम चढ़ा दिया जिन लोगों का। पटवारी नाम चढ़ाता है MPLRC में? फिर देखिए, पटवारी नाम चढ़ाता है क्या? तहसीलदार नाम चढ़ाता तो है? सर तहसीलदार सर को भी इसमें पार्टी बनाया ना अरे सर। बनाया आपने, पूरी बात समझिए वर्मा जी, हाँ उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा। तहसीलदार ने अगर कोई गलत कार्रवाई की है तो आपके पास उपचार ये है कि आप जाके एसडीओ के सामने अपील लगाइए कि ये सब गलत किया है, ये बंटवारा नामा है, इस बंटवारे नामे में मेरे पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी का हिस्सा खुर्द बुर्द कर लिया गया है। यू फाइल अपील बिफोर द तो एसडीओ। सर सर हम अभी हम हाई कोर्ट से सर ये एनेक्सर नंबर 5 को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा सर, वो बंटवारा ऑटोमेटिक पूरा ही कैंसिल हो जाएगा अगर आपको ऐसा लगता ये है। तो बंटवारा कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल सूट में डिक्लेरेशन का सूट लगाना पड़ेगा। आप 30 रुपए की फीस में कितनी सलाह ले लेंगे? वकील कर सर लेते तो आपको और सलाह मिल जाती ढंग से। ये बंटवारा निरस्त कराने के लिए आपको सिविल सूट लगाना एनेक्सर पड़ेगा। नंबर 5 को बस निरस्त करवाना है हाँ, कोर्ट तो वो से, सिविल हाई सूट कोर्ट से। लगाना पड़ेगा। वकील करिए, सिविल सूट लगाइए, ठीक है लीजिएगा। सर, पिटिशनर अच्छा इन पर्सन प्रेस फॉर विदड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन विद लिबर्टी टू परस्यू ऑल्टरनेटिव रेमेडी एज इज अवेलेबल टू हिम अंडर लॉ। और आप वकील नहीं कर सकते तो हम आपको लीगल एड से वकील दिलवा देते हैं, आपको निशुल्क वकील मिल जाएगा। जो 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 आप एक अनुमति आवेदन लगाइएगा हाई कोर्ट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, तो आपको निशुल्क वकील मिल जाएगा। आपका आवेदन ज़्यादा अच्छी तरीके से स्वीकार हो गया तो कोई सीनियर एडवोकेट दिलवा देंगे आपको निशुल्क। ठीक है, जाइए।